हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन के साथ हाजिर हो गए हम। छोटी क्लास रखेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपको मालूम है अभी बजट भी पेश होने वाला है और अभी हमने 16 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन भी कर लिया है दिसंबर 2023 में। तो ये जो है दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बात आती है केंद्र राज्य संबंधों की, सबसे बड़ा मुद्दा आता है फंडिंग का और बजट में साथ के साथ में जो हमारा ये फाइनेंस कमीशन होता है इनमें क्या है राज्यों के लिए प्रावधान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या इशू निकल करके आ रहा है, अलग अलग टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में कोर्ट में मामला लेकर के पहुँच जाते हैं कि उनको क्या है फंडिंग सही से नहीं मिल रही है या फिर फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो क्या पूरा मुद्दा है फाइनेंस कमीशन की, आज क्या रिलेवेंस है, इसके बारे में बात करेंगे, प्लस मेंस का एक क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम जो इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट की अनदेखी करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और अभी इतने सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्कीम्स है गवर्नमेंट की, फिर भी जो है वो कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या कमियाँ हैं, इसके बारे में एक एडिटोरियल है जो बात करता है। तो दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास छोटी हो, आधे घंटे की क्लास हो, बट इसमें जो है बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, लेकिन हाइलाइट्स देख लेते हैं जो कि मैंने बात की है और उसके बाद हम मोटिवेशनल कोट से देखेंगे कि क्या है आज का सुविचार। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के रोल के बारे में। अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है 2026 से, वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल वो रिपोर्ट अपना बना रहे हैं और जो वो रिकमेंड करेंगे 2026 के बाद से अगले 5 साल के लिए उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाएगा। बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पर क्या रोल है उनका इसके बारे में जानेंगे, क्या चैलेंजेस है इसके बारे में भी जानेंगे और फिर लास्ट में मेंस का एक क्वेश्चन भी करेंगे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अगला जो आर्टिकल रहेगा वो आपके प्लांटिंग स्कीम से लेकर रिलेटेड रहेगा, मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है द इश्यूज विद ट्री प्लांटिंग स्कीम्स। हमने देखा है कि अभी रिसेंट में एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चला रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है बेसिकली बात करता है कि इस तरीके के जो स्कीम्स हैं वो 1950 के ड्यूरेशन से ही चले आ रहे हैं। KM मुंशी जी ने सबसे पहले इस तरीके का कोई अभियान हो इसके बारे में बात की थी और तब से लेकर के अभी तक में बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स चलाए हैं, बहुत सारे स्कीम्स चलाई हैं फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे डाटा वाइज तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्लस इंडिया में आपको जो फॉरेस्ट धीरे धीरे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड भी बात करेंगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में भी क्या स्थिति है इसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक को हम देखेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट क्या बोला जा रहा है। एवरी वन कैन राइज अबव देयर सर्कमस्टेंसेज एंड अचीव सक्सेस इफ दे आर डेडिकेटेड टू एंड पैशनेटेड अबाउट व्हाट दे डू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर कोई जो है ना, जिसके सरकमस्टेंसेस कुछ भी हो, वो अपने सारे ड्रीम्स को, सक्सेस को अचीव कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डेडिकेशन। अगर डेडिकेशन नहीं है, पैशनेट नहीं है वो अपने ड्रीम को लेकर के, तो कुछ भी कर लिया जाए वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट कितनी भी चैलेंजेस है, कितनी भी राहें मुश्किल है, अगर आपने डेडिकेशन अपना बना लिया है, अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेडिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अकॉर्डिंग टू मी होती है डिसिप्लिन। इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी आप किसी बड़े गोल को अचीव करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मालूम है कि सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये दो चीज़ें हैं आपके अंदर में तो आप डेफिनेटली सक्सेस को लेंगे, आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर। तो नेल्सन मंडेला जी का ये कथन है और इसी से आई होप कि आप मोटिवेटेड होंगे और थोड़ा सा कुछ लेसन लेंगे और ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा डेडिकेशन अपनी पढ़ाई में, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो टॉपिक है GS पेपर 2 से रिलेटेड है। GS पेपर 2 में बात की जा रही है किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन। तो क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हमने जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, तो अरविंद पनगड़िया जी को हमने क्या किया है, अभी 16 फाइनेंस कमीशन का हमने जो है वो हेड
बनाया है, ठीक है ना। तो अध्यक्ष जो है 16th फाइनेंस कमीशन के, एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अभी फॉर्मेशन किया गया है, कौन करता है इनका फॉर्मेशन, कौन बनाता है अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है और इसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इसी प्रोविजंस के तहत में राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो पहली बात तो ये कि कौन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, अरविंद पनगड़िया, आर्टिकल 280 वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के थ्रू, अनुच्छेद के थ्रू संविधान में चीज़ें मेंशन की गई हैं इस निकाय को लेकर के, इसलिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय हुआ। दूसरी बात यह है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति। और जैसे जैसे इनकी नियुक्ति हो जाती है फिर ये अपने रिकमेंडेशंस देते हैं और उनके रिकमेंडेशंस को क्या है, केंद्र सरकार धीरे धीरे फॉलो करती है अगले आने वाले 5 सालों के लिए, ठीक है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन का टर्नओवर जो है वो 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक 16th फाइनेंस कमीशन को बना दिया गया है। अभी ये 2 साल अपना रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि इंडिया में क्या कमी है क्या नहीं कमी है। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से अभी जो टर्नओवर वो पूरा चल रहा है। 2026 तक ये जो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन, और इनकी क्या रिकमेंडेशन होगी आने वाले 5 सालों के लिए, उसके बेस पर जो है केंद्र सरकार स्कीम्स बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा बेसिकली क्या है कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स, स्पेशली साउथ इंडिया के स्टेट्स जो हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर में, और उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो न करने की वजह से केंद्र सरकार के ऊपर में मामला जो है वो बहुत बार कोर्ट में गया है कि केंद्र सरकार जो है वो फाइनेंस कमीशन ने जो 41% का एक तरीके से टैक्स देने की बात की है डिविजनल पुल के माध्यम से, इसको जो है केंद्र सरकार फॉलो नहीं कर रही है। 41+1%, यहाँ पर याद रखिएगा, जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने 42% जो है वो बात की थी कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होता है या रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका 42% उनको राज्य को दे देना चाहिए, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन जब आया तो उन्होंने बोला कि 42% में से 41% तो जो नॉर्मल राज्य है उनको देना चाहिए और 1% जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए, क्योंकि वो क्या है बहुत लंबे समय से, एक तो वहाँ पर 370 का काम चल रहा था और उसके बाद बहुत लंबे समय से यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हुए हैं, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको अलग से 1% रेवेन्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी। बट यहाँ पर इशू क्या है, तो यहाँ पर पहली बात तो मैंने बता दिया आपको कि 15th फाइनेंस कमीशन है क्या। यहाँ पर सबसे पहली बात है व्हाट इज़ द फाइनेंस कमीशन, तो मैंने बता दिया कि जो भी आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, वो केंद्र सरकार का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें राज्यों को कितना अंश देना है, राज्यों की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इन सब को एनालाइज करके राज्यों को कितना शेयर मिलना चाहिए ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का, कितना वित्त, कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए, इसके ऊपर में काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली केंद्र और राज्य के बीच में जो संघवाद का ढांचा आता है, तो वित्तीय संघवाद को बनाए रखने के लिए, जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसको बनाए रखने के लिए फाइनेंस कमीशन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। ये जो की टर्म है जो वित्तीय फेडरलिज्म में कह रही हूँ या फाइनेंस फेडरलिज्म कह रही हूँ, अगर ये आपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो आपके आंसर में डेफिनेटली आपको 1 नंबर या फिर 0.5 नंबर का आपको एज ही मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के की टर्म से समझ में आता है कि आपकी समझ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, जो वहां पर वित्तीय जो संघवाद का ढांचा है या फिर फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसको बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में बिल्कुल हार्मनी क्रिएट रहे और टैक्स को लेकर के कोई भी कहना चाहिए डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए ये काम करता है। अब बेसिकली अब यहां पर मुद्दा क्या निकल के आया है, ये आर्टिकल क्या निकल करके आया है, यहां पर बात की जा रही है कि जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह जो थे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे, और एनके सिंह जी ने रिकमेंड किया था कि कितना परसेंट, 41% जो है वो स्टेट्स को मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स कलेक्शन है थ्रू जीएसटी और बाकी सारी चीजों को लेकर के, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है उसको ले करके जितना भी टैक्स कलेक्शन ओवरऑल होता है उसको क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को राज्यों के बीच में बांट देना चाहिए और जितना भी टैक्स कलेक्शन है उसका 41% एटलीस्ट जो नॉर्मल राज्य है उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे निकल करके आई हैं और कई सारे स्टेट्स ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाती है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का केवल और केवल 38% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन उन्होंने रिकमेंड किया था 41%,
परसेंट का, लेकिन अभी राज्य को केवल और केवल मैक्सिमम 38% ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे पा रही है। और आपने कोविड के समय में भी सुना होगा कि जब बाकी सारे राज्य मांग कर रहे थे कि उनको ज़्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि कोविड की वजह से हमारी भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करिए, या तो बाजार से पैसे उठा लीजिए, या फिर आप 50% का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के आप 50% लोन उठा लीजिए, उसके ऊपर में हम इंटरेस्ट वगैरह आपको उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप मार्केट से फंडिंग ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आई थी। तो यहाँ पर ये मुद्दा हमेशा से निकल करके आता है कि जब 15 फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन है, या जो जितने समय समय पर फाइनेंस कमीशन बने हुए हैं उनकी जो रिकमेंडेशन हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है और अपनी मनमानी करती है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब ये चीज़ें डिक्लाइन होती है ना, तो यही 38% चला जाता है 28% पे। तो मतलब अगर कहा जाए कि 28-38% का ही क्या है रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है उसका इतना परसेंट ही बाकी सारे राज्यों को मिल पा रहा है, जितना फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है उतना भी जो राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। और इशू क्यों ज़्यादा निकल करके आता है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन जैसे जो बिल्कुल कोर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इन सबका दायित्व जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में होती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होता है कि वो एजुकेशन को क्या करे, इंश्योर करे अपने एरिया में, हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाए। तो इसके लिए क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर में बर्डन ज़्यादा है। इसी के बीच में अगर कोई मान लीजिए डिजास्टर आ गया, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जब बारिश का सीज़न आता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, कभी साइक्लोन आ गया जो तटीय क्षेत्र हैं हमारे, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर जो है साइक्लोन आ जाता है, तो वो स्टेट की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, तहस नहस करता है, फिर से उस स्टेट के ऊपर में एक ओवर बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर बात यही की गई है कि एक तो एजुकेशन, हेल्थ जैसी नेसेसिटी, और दूसरी चीज़ है कि डिजास्टर, इन सब की वजह से स्टेट के ऊपर में दोहरी मार पड़ती है और उनको फंड की बहुत ज़्यादा क्या होती है, समस्या होती है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में टैक्स या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि वो अपना जीएसटी कलेक्शन भी कर रही है, साथ के साथ में कस्टम ड्यूटी भी लगा रही है, सीमा शुल्क वगैरह और भी बहुत सारे शुल्क, जैसे कि सेस है, सरचार्ज है। सेस और सरचार्ज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सरचार्ज जो होता है जैसे टैक्स ऑन टैक्स जो होता है, इसको आप आसान भाषा में समझिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति जो है वो 1 करोड़ रुपये है और उसको इस 1 करोड़ पर 30% का टैक्स देना है, इस 30% के टैक्स पर भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि जो व्यक्ति 30% टैक्स पे कर रहा है उसको इस 30% का भी 10% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी संपत्ति इतनी है। इट मीन्स कि अब टोटल टैक्स कितना हो गया, 30% का 10% यहाँ पर, 30% का और 10% यहाँ पर 3%, यानी कि ओवरऑल 33% जो है वो क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर ये जो 30% होता है ना, यही टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करना है। ये जो 3% एक्स्ट्रा सेस और सरचार्ज मिलता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहता है, इसको वो शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य है, उनके पास वित्त कलेक्ट करने के लिए साधन जो है वो कम है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो साधन है वो कम है, क्योंकि उनको जीएसटी से अलग हटके जो दो चीज़ें हैं, एक तो फ्यूल, दूसरा है लीकर, जो शराब वगैरह होती है और जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, पेट्रोल डीजल, इसी के ऊपर में ही जो टैक्स लगता है वही केवल स्टेट्स को मिल पाता है, बाकी जितना जीएसटी कलेक्शन होता है वो सेंटर के पास चला जाता है, फिर उसमें से सेंटर जो है क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग स्टेट्स को। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक तो काम का बर्डन स्टेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा है, तो उनको हेल्थ भी इंश्योर करनी है, एजुकेशन भी इंश्योर करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी रोकना है, बट अगर उनका देखा जाए कि कलेक्शन जो है रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसके साधन उनके पास सीमित है। सेम वैसी चीज़ होती है सेस के साथ में। सेस क्या होता है कि किसी एडिशनल काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए शिक्षा के ऊपर में सेस लगाया गया है, तो वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होगा ना वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहता है। और ये बात अलग होती है कि जो सेस कलेक्ट होता है उसको उसी फील्ड में लगाना होता है जिसके लिए उसको क्या किया गया होता है, लिया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा ऑप्शंस हैं रेवेन्यू कलेक्शन करने के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन के, और इस वजह से ही ये पूरा डिस्प्यूट, पूरा जो चीज़ें हैं वो निकल करके आती हैं। दूसरी बात ये बोली गई है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है या जितनी भी फाइनेंस कमीशन आती हैं वो डिविजनल पुल की बात करती हैं, कि डिविजनल
पुल पे जो है ये 41% का क्या होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। दो तरीके की पुल एक चीज़ें होती है, डिविजनल पुल के अंतर्गत एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का क्या मतलब है कि टोटल कलेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसको क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका 41% सभी राज्यों को बांट दिया, ठीक है, वर्टिकल ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि 15 फाइनेंस कमीशन पर्टिकुलर हर स्टेट के कितने रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर कितना बर्डन है, वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इसको भी एग्जामिन करती है और फिर उसके हिसाब से फंडिंग जो है वो अलॉट करती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमेशा ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जिन राज्यों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी के अंतर में, जिनके पास रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं, जो स्टेट्स डेवलप्ड हैं, उनको क्या है कम मिलता है पैसा, उनको कम रेवेन्यू मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी है, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनको फंडिंग ज्यादा मिलती है। यहां पर बात की गई है आंकड़ों के थ्रू कि अगर एक रुपए जो है वो दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से किसी राज्य को, तो जो डेवलप्ड राज्य है उसको केवल और केवल उसका कितना मिल रहा है, 29 पैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि बिहार वगैरह हो गए, बहुत पिछड़े राज्य हैं, इनको क्या है इस एक का 7 गुना, यानी कि 7 रुपए जो है पर स्कीम दिया जा रहा है या पर किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, किसी स्टेट को जो कि डेवलप्ड है, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको आप 29 पैसे ही दे रहे हैं, और जो अंडर डेवलप्ड है, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, जो बहुत ज़्यादा क्या है इकोनॉमी को सही तरीके से आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उसको हमने इतनी ज़्यादा फंडिंग दे दी। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर वाली चीज़ है। अब इससे क्या होगा, जो भी डेवलप्ड कंट्री जो स्टेट्स हैं वो तो डीमोटिवेट होंगे, फिर वो सोचेंगे कि हम क्यों इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं जब हमें चीज़ें कम मिलने वाली हैं, तो हमें कोई एक तरीके से इंसेंटिव नहीं मिल रहा, हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्यों और ज़्यादा प्रमोट करें। तो यहाँ पर ये जो चैलेंजेस, ये जो गैप है, ये जो चैलेंजेस है वो आने वाले जो 16th फाइनेंस कमीशन होगी उसके सामने भी रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो यही बात करता है कि जो अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिलेवेंस क्या है, और आने वाला जो फाइनेंस कमीशन है उसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है। तो यही सारी चुनौतियाँ हैं, आपने देखा है, सुना है, बहुत बारी हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग तरीके से जो है ये मुद्दे निकल कर के आए हैं, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोल जा रहा है कि हाउ डज द कमीशन डिसाइड्स, तो यहाँ पर बात की जाती है कि कोई कमीशन कैसे डिसाइड करता है कि कितना जो है वो टैक्स किसी को देना है। तो यहाँ पर कमीशन जो है वो यही प्रोपोर्शन रखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी नेक्स्ट नेट जो है टैक्स कलेक्शन होगा, और जो स्टेट्स का ओवरऑल जो है पूरा परफॉर्मेंस होगा, उसके हिसाब से वर्टिकल जो है वो डिवोल्यूशन किया जाएगा, वर्टिकल रूप से शेयर्स दिए जाएंगे। और जब बात की जाती है कि हॉरिजॉन्टल शेयर की, तो मैंने बात कर दी कि जब अलग अलग स्टेट जो है उनके रिसोर्सेज को पर्टिकुलरली देखा जाता है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनका पॉपुलेशन बर्डन कितना है, इन सबको देखा जाता है और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस तरीके से जो है कोई भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि फंडिंग को किस तरीके से देना है, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है व्हाई इज देयर फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो मैंने सारे कारण बता दिए कि फ्रिक्शन कहाँ पर हो रहा है, डिस्प्यूट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कहाँ पर हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पर इशू यही है कि इन सारी टॉपिक्स को, इन समस्याओं को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस का। बात की जा रही है केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य क्या है, संक्षेप में बताएं, अगले कुछ ही समय में गठित होने वाले नए केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां होंगी। तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन को आपको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, 2 बारी 3 बारी आप क्वेश्चन को पढ़िए और तोड़ने की इसको कोशिश करिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति और कार्य क्या है। तो संवैधानिक स्थिति में बता दीजिए कि आर्टिकल 280 के तहत इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्य क्या क्या है भाई, राज्यों के बीच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है ना, और साथ के साथ में इंश्योर करना है क्या, वित्तीय फेडरलिज्म यानी फाइनेंशियल फेडरलिज्म यानी कि वित्तीय संघवाद को इंश्योर करना है। ये इनके काम हो गए। इंट्रो बहुत ही सही से 3-4 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात बोली जाएगी कि अगले कुछ ही समय में गठित होने वाले नए केंद्रीय वित्त आयोग के सामने चैलेंजेस क्या,
है। तो अभी हमें मालूम है, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसका काम ओवरऑल कंप्लीट हो गया, 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हो गया है, और फिर उसके सामने बता देना है कि उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं वही सारे चैलेंजेस आपके रहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको कम मिल रहा है जो कि और जो अंडर डेवलप्ड है उनको ज़्यादा मिल रहा है, इसकी वजह से दोनों के बीच डिस्प्यूट हो रहा है। साथ के साथ में अगर बात की जाए ऑप्शंस की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास में ज़्यादा ऑप्शंस है टैक्स कलेक्शन के एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स। दूसरी बात की जाए कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन की गई है 15th फाइनेंस कमीशन की 41% का, वो उसकी जगह पे केवल 38% ही मैक्सिमम टैक्स मिल रहा है जो राज्य है उनको, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। साथ के साथ में एनवायरमेंटल, यहाँ पर बात की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन ये भी ध्यान देता है कि कोई राज्य जो है वो अपने एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से लेकर के चल रहा है। तो अभी जो है नए नए मुद्दे भी निकल कर के आए हैं, जैसे कि मान लीजिए डिजास्टर हो गया, तो वहाँ पर किसी राज्य में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डिजास्टर होता है, जैसे कि आपके तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल, तो इनको अलग से ज़्यादा फंडिंग देने की ज़रूरत है, और अगर आप इनको फंडिंग ज़्यादा नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये कोर्ट में जाएंगे मामला लेकर के। तो यहाँ पर जो है वित्त आयोग के सामने अलग अलग चैलेंजेस है। दूसरे नए चैलेंजेस अगर आप बात कर लीजिए अभी रीसेंट समय में, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम करें क्लाइमेट चेंज की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से और ज़्यादा बर्डन हो रहा है सभी स्टेट्स के ऊपर में, और ये जो बर्डन है अगर स्टेट्स के ऊपर पड़ रहा है तो स्टेट को फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में देख करके ही जो है वो इस बार 16th फाइनेंस कमीशन है उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुद्दा क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है कि अभी जो है प्रभावी चीज़ें हैं, लेकिन डिस्प्यूट को और सेटल करके इस फाइनेंस कमीशन की रेलेवेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अगला ये जो आर्टिकल है ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। बेसिकली ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बोला जा रहा है द इशू विद ट्री प्लांटिंग स्कीम्स। बोला जा रहा है क्या कि जब से हमने बात की है 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई है, 20वीं सदी से ही अगर देखें तो अब तक लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो एरिया, फॉरेस्ट एरिया नष्ट हो चुका है। ठीक है ना, और ये 10 मिलियन का जो स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा ही क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। एक जो 10 मिलियन कहने का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो यहाँ पर लगभग 100 लाख किलोमीटर का जो आप समझ लीजिए कि क्या है, हेक्टेयर का जो आपको स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो ख़त्म हो रहा है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा कंसर्न। दूसरी बात ये है कि ख़त्म तो ये हो रहा है लेकिन रीस्टोरेशन इसका नहीं हो रहा है। बट एक साइड हम पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन इसके बदले में हम दूसरे लगा भी नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये इशू और ज़्यादा ही क्या हो गया, क्रूशियल हो गया है। तीसरी बात बोली जा रही है कि हमने इसको जो 2021 से लेकर के 2030 तक का पूरा ये डेकेड है, 10 साल के जो पूरे टेन्योर को डेकेड बोला जाता है, दशक बोला जाता है, तो ये जो पूरा 2021 से लेकर के 2030 तक का पूरा डेकेड है उसको हमने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का क्या किया था, अलॉट किया था। हमने बोला था कि ये जो 2021 से 30 तक का समय होगा इसमें हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करेंगे। ये किसने बोला था, यूनाइटेड नेशन ने, और कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि अगले 2030 तक ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हो जाएगा। मतलब जितनी हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाई है, हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले समय में बाय 2030, ये बात बोली जा रही है। यहां पर बोला क्या गया था, टारगेट कैसे रखा गया था कि कैसे रिस्टोर कर पाएंगे हम। टारगेट रखा गया था कि अगर आने वाले समय में हम 350 मिलियन हेक्टेयर जो है अगर हम फॉरेस्टेशन कर लेते हैं, 350 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्टेशन हम कर लेते हैं, तभी जाकर के हमने जितनी अभी तक नुकसान पहुंचाई है पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, उसको हम क्या कर पाएंगे, एक तरह से ओवरकम कर पाएंगे, उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। बट यहाँ पर सिनेरियो जो है वो कुछ भी इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में ये आर्टिकल जो है वो बात करता है। अब अगर बात की जाए कि इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या बात हो रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि के एम मुंशी का नाम सबको मालूम होगा, इन्होंने 1950 में ही इस तरीके के एनवायरमेंट को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात की थी, और 1950 से ही इंडिया के अंदर में बहुत सारी मुहिम चल रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक वन महोत्सव मनाने का इनिशिएटिव चालू किया था, और वन महोत्सव बेसिकली कब मनाया जा रहा था, जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता था उसमें ये वन महोत्सव मनाया जा रहा था। ठीक है, तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वहां पर आपको ये वन महोत्सव देखने को मिलता था, और ये वन महोत्सव किसने चालू किया था, के एम मुंशी जी ने। कब चालू किया था, 1950 में इसको चालू किया गया था, लेकिन तब से लेकर के अभी तक देखें तो हमने बहुत सारे जो क्या किए हैं 1950 के बाद से अभी तक, इतने सारे स्कीम्स हम चला चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, पेड़ों
को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अलग अलग जो कंट्रीज ने किस तरीके से काम किया है, तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पर बहुत सारे जो हैं वो इनिशिएटिव चलाए हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर रिसेंट जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, आप लोग अवेयर भी होंगे इसकी वजह इसके बारे में, और नहीं होंगे तो भाई अभी अवेयर हो जाइए। एक पेड़ माँ के नाम जो है वो अभियान चल रहा है, और अभी जो 5 जून को एनवायरमेंटल जो हमने डे मनाया, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए जो डे मनाया, वहाँ पर मोदी जी ने जा करके पेड़ भी लगाया था अपने पूरे जो एरिया है वहाँ पर दिल्ली में। तो यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है, जिसका मोटिव ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है उसको वापस से हम क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट चल रहा है, किसका, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट चला रही है, किसके लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अगर हम बात करें कि ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किसका चल रहा है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल ये जो चाइना का स्कीम है, चाइना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी और वो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो चाइना ने इनिशिएटिव चला रखा है। हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी इनिशिएटिव चला रखा है 10 बिलियन ट्री सुनामी का। तो इस तरीके के आपको 2-3 आपको अलग अलग आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके तहत काम हो रहा है, कि ग्रेट ग्रीन वॉल चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 बिलियन ट्रीट सुनामी जो है वो पाकिस्तान चला रहा है, और जो इन्वायरमेंटल जो हमारा जो इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, वो 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट चला रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो पेड़ों को रिस्टोर करने के लिए हो रही हैं, लेकिन अभी जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर बात की गई है कि मोदी जी अभी वॉशिंगटन में थे और उन्होंने जा करके वहाँ पर बोला था कि हम जो है वो बाय 2030 क्या कर लेंगे, जितना भी लैंडस्केप है ना, जितना हमने अभी तक डिफॉरेस्टेशन कराया है उसको हम रिस्टोर कर लेंगे, और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बोली थी कि हम जो है इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम इसको अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पर आर्टिकल जो है वो ये बोल रहा है कि जो संसद के अंदर खुद ही मंत्रियों ने बोला है कि भाई अभी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जितना हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। यहाँ पर इंडिया के लिए चैलेंज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बाइडेन के सामने तो बोल दिया था कि भाई इंडिया जो है वो G20 में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो इन सारे जो 350 मिलियन रिस्टोरेशन वाला क्राइटेरिया है यूनाइटेड नेशन का उसको फुलफिल कर रहा है। मतलब वो वहाँ पर अपनी थोड़ी तारीफ करके आए थे कि G20 कंट्रीज़ में केवल और केवल इंडिया ही ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन के इस पूरी बात को इतना सीरियसली ले रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या है, तो राज्यसभा में जब इनके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट फॉर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बोला कि अभी जो है इस दिशा में काम करने के लिए हमने क्या किया है, 1.97 मिलियन टन का रिस्टोरेशन तो हमने किया है, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत बड़ा काम करना बाकी है, इसके बारे में बात की गई है। दूसरी बोली गई है कि नियरली हमारे यहाँ 27.5 करोड़ जो है इनक्रोचमेंट हो चुके हैं, इनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण। तो 27.5 करोड़ का जो आपको वनों का कहना चाहिए इनक्रोचमेंट हो गया है, और ये इनक्रोचमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पेड़ों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ट्राइब्स बेसिकली जो होते हैं उनका पूरा जीवन जो है वो इन वनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि केवल उनको ही आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ट्राइब्स जो होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से कंजर्व करके भी रखते हैं। मेन मुद्दा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमी को बहुत डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या किया है, एनवायरमेंट की अनदेखी कर दी है, बहुत पेड़ काटे गए हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली का जो पूरा मामला है वो अभी कोर्ट में भी है कि वहाँ पर कुछ 15,000 के अराउंड जो पेड़ को गिरा दिया गया था सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हाईवे बनाने के लिए या फिर कुछ पुल वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया के अंदर भी ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया इनिशिएटिव चला रहा है और इस इनिशिएटिव के थ्रू टारगेट यही रखा गया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट लगा लेंगे 2030 तक। तो ये जो इनिशिएटिव है चल तो रहे हैं, लेकिन स्पेशली ये जो एक पेड़ माँ के नाम इस तरीके की स्कीम, पेड़ों का आपको क्या करना है, संख्या उसकी आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग जब आप जाते हैं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा जहाँ पर ग्रीनरी बहुत है तो आप हर पेड़ पे आपको कुछ ना कुछ नंबर लगे हुए दिखाई देंगे। तो पेड़ों की काउंटिंग का भी जो है वो स्कीम चल रहा है। अगर हम बात करें ISFR की रिपोर्ट जो कि वन स्थितियों के बारे में बात करती है, तो हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ जितना भी टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका केवल और केवल 26
6% पे ही आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे, है ना। और जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे यहाँ पर क्राइटेरिया 33% का रखा गया है कि आपकी जितनी भी भूमि है पूरे क्षेत्र की, पूरे देश की, उसका एटलीस्ट 33% पर आपके पास में जो फॉरेस्ट है, वन है, वो लगे होने चाहिए। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, 24.6%। साथ के साथ में कौन से स्टेट्स है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से कि किसी राज्य का क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वन लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जो स्टेट्स हैं आ जाएंगे कि अगर उनका पूरा 100% का क्षेत्रफल है, पूरा जो एरिया है, तो उसके 82-86% पे आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है इंडिया में स्थिति अभी जो है बहुत अच्छी नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। और ये 33% का क्राइटेरिया से अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, और काम भी हो रहा है इस तरीके की स्कीम्स के लेकर के, लेकिन अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है, ठीक है। तो ये था पूरा आज का सेशन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी जो भी टॉपिक्स थे उसको बहुत अच्छे से हमने समझ विकसित करने की कोशिश की है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नोटबुक आए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।